हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बीच कौन सा डिफरेंस आते हैं, कौन कौन सा डिफरेंस पॉइंट्स है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट, इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर वेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एडजेसेंट। मतलब कि सपोज कि ये हमारा डेटा है तो वो नेक्स्ट एडजेसेंस एंड प्रीवियस एडजेसेंस के साथ अटैच होगा, तो इसको कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? इन अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अटैच इन हायरार्किकल ऑर्डर और मैनर। मतलब कि हमारा ये डेटा, सपोज कि ये हमारा डेटा है तो वो हायरार्की फॉलो करेगा इस तरह से कुछ। सिंगल लेवल इन्वॉल्व, मल्टीपल लेवल्स इन्वॉल्व। मतलब कि ये है वो सिंगल लेवल है, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, मल्टीपल लेवल्स होगा। जैसे कि ये है इसका लेवल, ये है इसका लेवल, तो ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, इस तरह से। जबकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये है तो ये कनेक्ट होगा, ये उसके प्रीवियस और ये इसका नेक्स्ट, फिर ये तो ये इसके लिए प्रीवियस है और ये किसी नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगा, तो ये सिंगल लेवल है। जबकि नॉन लीनियर है वो मल्टी लेवल है। ईजी इम्प्लीमेंटेशन एंड मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज इन एफिशियंट वे। इस तरह से हम कुछ करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में तो ईजी होगा, लेकिन उसकी मेमोरी होगी वो एफिशियंट वे में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जबकि ये हायरार्की फॉलो करता है कुछ इस तरह से, तो हम इस इम्प्लीमेंटेशन में चाहे ये कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, लेकिन हम मेमोरी यूटिलाइजेशन इससे एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो दोनों को, दोनों पॉइंट्स मैंने एक में ही समझा दिया। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक, क्यू, एरे एंड लिंक लिस्ट। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के दो ही एग्जाम्पल है, ट्री एंड ग्राफ्स। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर, मतलब कि ये स्टैक, क्यू, एरे और लिंक लिस्ट यूज़ कहाँ पर होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यह सब में यूज़ होते हैं। जब ये ट्री और ग्राफ्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर इमेज प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि इमेज प्रोसेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सब फील्ड में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको मेरे वीडियो की तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को मैं शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।